नमस्ते स्टूडेंट्स, नमस्ते एवरीवन, कैसे हो आप लोग? ओके, वेलकम बैक टू आर वंडरफुल एंड अमेजिंग यूट्यूब चैनल डेट इज साइंस्टर लर्न विद बेस्ट ट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने जा रहे हैं, एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे आज, जो कि हमारा है स्टैंडर्ड टेंथ का साइंस पार्ट टू का थर्ड चैप्टर। कौन सा चैप्टर? थर्ड चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है? लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट टू। पार्ट टू मतलब सर इसका पार्ट वन भी है क्या? है, जो कि चैप्टर नंबर टू है, लेकिन हम लोग वो बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम लोग किस कौन सा चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं? चैप्टर नंबर थ्री। ओके, पार्ट टू का। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा लेक्चर नंबर वन है आज का, पहला लेक्चर है इस चैप्टर का। ओके सो ये चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। ओके सो नो मोर वेस्टिंग टाइम, कैन वी स्टार्ट आवर टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स? ओके सी, चैप्टर का चैप्टर नंबर थ्री, लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट टू। ओके, सबसे पहले हम लोग ना चैप्टर का जो मतलब है वो समझ लेते अच्छे तरीके से। क्या लिखा है? लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लाइफ प्रोसेस, लाइफ मतलब जीवन, प्रोसेस मतलब प्रक्रिया। ओके, इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग थिंग तो आप समझते होंगे ना। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब क्या? उसका कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक होगा। अभी नॉन लिविंग थिंग को देख करके मैं क्यों बोलता हूँ नॉन लिविंग थिंग है? लिविंग थिंग को देख करके मैं क्यों कैसे बोल सकता हूँ कि लिविंग थिंग है? उसके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे प्रक्रिया होती है, क्राइटेरिया होता है, क्लासिफिकेशन होता है, राइट? जिस तरीके से हम लोग डिस्टिंग्विश कर सकते। ओके, तो आज के इस चैप्टर में हम लोग लिविंग थिंग की बात करेंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या ऐसे प्रोसेस होते हैं। ओके, आप लोग को समझा? फिर से समझा दे रहा हूँ। लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी प्रक्रिया, जितने भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं, हम लोग उसके बारे में बात करने जा रहे हैं आज के इस वीडियो में। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। ओके, ध्यान दीजिए, ज्ञान लीजिए। ओके, अभी हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेसेस है। ओके, कौन से? स्टार्ट करते वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। ओके, यहाँ पे हम लोग एक दो तीन चार की बात नहीं करेंगे, टोटल आठ हमारे पास प्रोसेस है। टेक्स्ट बुक मैंने दिया है बट मैंने लिखा है, मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड। ओके सो सबसे पहला क्या है? डाइजेशन। डाइजेशन व्हाट? डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन। सेकंड वाला क्या है? रेस्पिरेशन। थर्ड एक्सक्रीशन। फोर्थ ब्लड सर्कुलेशन। फिफ्थ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सिक्स्थ वाला कौन सा है? मेटाबॉलिज्म। सेवेंथ वाला ग्रोथ है हमारा, और जो एट्थ वाला है वो है हमारा रिप्रोडक्शन। ओके ओके, आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। ओके, हम लोग डायरेक्ट एक ही लेक्चर में नहीं खत्म हो जाएगा हमारा जो चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है ये, मजा आ जाएगा पढ़ने में, ठीक है? ये जो चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन बेस है खाली। ओके, अभी ये जो सर आपने जो आठ प्रोसेस लिखा है, क्या हम लोग इस चैप्टर में सारे प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे क्या? नहीं, इस चैप्टर का जो किंग है, इस चैप्टर का जो राजा है वो कौन है? रिप्रोडक्शन है। ज्यादा करके हम लोग ना रिप्रोडक्शन के ऊपर बात करेंगे, लेकिन आज ही हमारा पहला वीडियो है तो हम लोग को थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि जो लाइफ प्रोसेस है कितने टाइप के होते हैं, क्या क्या होते हैं। ओके, उतना डिटेल में बात नहीं करेंगे, छोटा ही बात करेंगे, थोड़े में बात करके हटा देंगे इसको। ओके स्टार्ट करते। सर जो आपने लिखा पहला प्रोसेस क्या है? डाइजेशन। व्हाट? डाइजेशन। अभी डाइजेशन का थोड़ा हम लोग हर एक प्रोसेस का थोड़ा थोड़ा डिटेलिंग जानेंगे, और कुछ नहीं होगा इस वीडियो में। ओके सर, जो पहला वाला है आपने लिखा है डाइजेशन न्यूट्रिशन। ओके स्टूडेंट, डाइजेशन मतलब क्या? क्या मैं डाइजेशन मतलब ये समझ सकता हूँ मैं कुछ भी खा रहा हूँ वो पच जा रहा है? ओके, मतलब डाइजेस्ट हो जा रहा है, प्लस जो वेस्ट मटेरियल है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारे बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है, तो रिमूव हो जाता है, उसी को हम डाइजेशन बोलेंगे ना। यस ओके, अभी डाइजेशन में भी ना दो प्रोसेस होते हैं,
देर आर टू प्रोसेस इन डाइजेशन। कौन कौन सा? डाइजेशन में दो प्रोसेस है। सबसे पहला इंजेशन। इंजेशन मतलब क्या? देखिए क्या बोल रहा मैंने, इंजेशन। इंजेशन मतलब इंजेक्शन नहीं है, इंजेशन की बात कर रहा हूँ। ओके, इंजेशन मतलब क्या? द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड। जब मैंने खाना अपने हाथ से उठाया, जैसा मुंह में डाला ना, जैसा मैंने खाना उठाया मुंह में डाला, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे? इंजेशन ऑफ फूड। समझ में आया? ये सबसे पहला प्रोसेस होता है डाइजेशन का। आप कुछ भी खाओ, आपके मुंह में चला गया, राइट? आपने इन कर लिया, राइट? फूड सब्सटेंस को आपने इन कर लिया, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? इंजेशन बोलेंगे। देखो ना, स्टार्टिंग का दो वर्ड, दो लेटर देख लो क्या है, इन है। इन मतलब अंदर। और जो सेकेंड वाला प्रोसेस है वो क्या है? इजेशन। सेकेंड वाला इजेशन। इजेशन मतलब क्या? अभी जो मैंने खाया है उसको बाहर भी तो निकलना चाहिए ना। उसमें जितने भी हमारे लिए जो अच्छे हैं, यूजफुल सब्सटेंस, उसको पूरा बॉडी क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। बाकी है जितना वेस्ट मटेरियल, उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करेगा। तो इंजेशन मतलब मैंने कुछ भी खाया तो वो मेरे बॉडी के अंदर चला गया। अभी इंजेशन मतलब क्या? बॉडी से जो बाहर जाता है, राइट? मतलब ई मतलब आप लोग एग्जिट समझ लो ना, बड़े बड़े मॉल में लिखा रहता है ना ऊपर, ई एग्जाइटी। तो आप ये पहला वर्ड देखो क्या है, ये ई एग्ज आई टी, ऐसा याद कर लो। आपने कुछ भी खाया तो इंजेशन, आपके बॉडी से अगर बाहर जा रहा है तो इजेशन। पहला लेटर देखोगे तो क्या है? एग्जिट है। ओके, तो ये हमारा पहला वाला प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। ओके, उसके बाद सेकंड प्रोसेस क्या है? रेस्पिरेशन। क्या? रेस्पिरेशन। सर रेस्पिरेशन मतलब समझ गया, राइट? हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे अगर ह्यूमन बींग्स है तो वो ऑक्सीजन लेते हैं, उसके बदले में हम लोग क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो मैंने कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा है वो कौन लेगा? ट्री लेंगे, प्लांट्स लेंगे। अभी प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड लेते तो ऑक्सीजन छोड़ते हमारे लिए, मतलब लेन देन का काम चालू हो रहा है। चालू है? यस चालू है। ओके, ऐसा नहीं है, हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लेते, राइट? ऐसा होता पहले बात, ऑक्सीजन दिखता हम लोग को? नहीं दिखता, इतना छोटा मॉलिक्यूल है वो, राइट? ओके सर, अभी आपने बोला हम लोग सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लेते, तो इसका क्या मतलब? हम लोग ना बेटा मिक्सचर ऑफ गैसेस लेते, बहुत सारे गैस एक साथ लेते। ओके, फिर अंदर जा कर के हमारे बॉडी के अंदर जा कर के वो अलग अलग होता है। जो बॉडी को चाहिए वो प्योरीफाई होता है, बाकी का एलिमिनेट हो जाता है बॉडी से। ओके, हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन नहीं लेते, वी आर टेकिंग मिक्सचर ऑफ गैसेस। अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करूँ ना, तो यहाँ पे हमारे पास दो प्रोसेस, इसमें भी दो प्रोसेस है। कौन सा? इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन मतलब क्या? अगर मैंने सांस लिया, फॉर एग्जाम्पल सी, ये मेरा क्या हुआ? इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन को हम लोग इनहेलेशन भी बोल सकते हैं, जो कि मैंने नीचे लिखा है। इंस्पिरेशन इनहेलेशन मतलब समझे आप लोग, ये मेरा क्या है? इनहेलेशन। एक्सपिरेशन और एक्सहेलेशन मतलब क्या? अभी मैंने जो लिया है, सांस लिया है, बहु लिया, सांस लिया, तो उसको मुझे छोड़ना भी तो है। देखो, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, राइट? ये होता है हमारा, क्या होता है? रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। ओके, दो हो चुका है। थर्ड क्या? एक्सक्रीशन। आप लोग ने ये सब वर्ड पहले ना कभी कभी सुना होगा। क्या है थर्ड वाला? एक्सक्रीशन। सर एक्सक्रीशन मतलब हमको पता है, क्या पता है आप लोगों को बताओ? रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, राइट? जो कि डाइजेशन में काम कर रहा था, ये इजेशन का। हमने कुछ भी खाया तो बॉडी क्या करेगा? जो भी इसको चाहिए सब एब्जॉर्ब करने के बाद जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होगा उसको छोड़ देगा, बॉडी से एलिमिनेट करना चाहेगा, राइट? तो उसका भी अलग से प्रोसेस हुआ जिसको हम लोग एक्सक्रीशन बोलते हैं। इसका आप दो डेफिनेशन लिख सकते हो। कौन कौन सा? रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, एंड द सेकेंड डेफिनेशन इज एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। ओके, मतलब आप लोग को समझा? अभी बॉडी के हमने जो भी खाया ना, जो
बॉडी के काम का नहीं, वो उसको बाहर निकालने की कोशिश करेगा, निकालना चाहता है, मतलब रखेगा ही नहीं उसको, राइट। हाँ, अभी जो हम हमारा वेस्ट मटेरियल है, जो वेस्ट प्रोडक्ट है ना, टोटल 3 स्टेट में पाए जा सकते हैं। कौन कौन से सर? सॉलिड में भी मिलेगा, लिक्विड में भी मिलेगा, और गैस में भी मिलेगा। समझ में आया आप लोगों को? ओके, अभी यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल मतलब क्या सर? एग्जाम्पल पहला वाला सर, आपने लीवर लेके रखा है। सेकंड क्या है? किडनी। थर्ड क्या है? स्किन। फोर्थ क्या है? हमारा लंग्स है, राइट। अगर मैं थोड़े से लीवर की बात करूँ ना, तो लीवर हमारा सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारे पूरे बॉडी का, ओके। लेकिन वो सब नहीं देखना हम लोग को, ध्यान दीजिए। लीवर ये क्या एलिमिनेट करता है? फीसेस। फीसेस मतलब क्या? फीसेस मतलब क्या? जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ओके, उसकी बात कर रहे हैं सर। वो तो येल्लो होता है सर। वो येल्लो कैसे हो जाता है सर? मैं खा कुछ और रहा हूँ, वो कुछ किसी और कलर का है, मैं खा रहा हूँ तो वो येल्लो कैसे हो जा रहा है? मैं कुछ भी खा रहा हूँ, मेरे बॉडी से एलिमिनेट हो रहा था, वो येल्लो हो जा रहा है, ऐसा क्यों? ऐसा कुछ होता है क्या? होता है। ये किसके वजह से होता है? एरिथ्रोसाइट की वजह से। एरिथ्रोसाइट मतलब RBC, मतलब रेड ब्लड सेल, राइट। रेड ब्लड सेल का जो लाइफ स्पेन होता है वो 120 दिन का होता है, 120 डेज का होता है, राइट। अभी फॉर एग्जाम्पल, मेरे बॉडी में ना अभी जस्ट 1 RBC बना, उसका जो लाइफ स्पेन है ना 120 दिन का है, राइट। अभी जो 120 दिन है, समझो मतलब 4 महीने बाद उसका जो है लाइफ स्पेन खत्म होने वाला है, समझो आज उसका ये आखिरी दिन है, राइट। 120 दिन हो गए, तो क्या करेगा वो? टूटेगा। कौन तोड़ेगा? लीवर तोड़ेगा उसको। क्या करेगा? लीवर तोड़ देगा, क्योंकि 120 दिन हो गया ना उसका लाइफ स्पेन हो गया। तो क्या होता है? टूटता है। वो टूटने के बाद ना जो एरिथ्रोसाइट है, क्या बच्चों? एरिथ्रोसाइट, वो आगे चल करके ना दो चीज में डिवाइड हो जाता है। एक होता है बिलीरुबिन और एक होता है बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, यही बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन आगे चल करके हमारे वेस्ट मटेरियल मतलब वेस्ट प्रोडक्ट के साथ मिक्स होकर के उसको येलो कलर देते हैं, ओके। आप लोगों को समझा? ये सारा का सारा खेल किसका? एरिथ्रोसाइट वही किया है, ओके। और ये हम लोगों को सॉलिड में मिलता है ना, ओके सर? लिक्विड में भी तो मिलता है मिलता है ना, जब डायरिया होता है, जुलाब। सेकंड का क्या है? किडनी। किडनी क्या निकालने की कोशिश कर रहा है? यूरिन। क्या यूरिन सर? यूरिन में होता क्या है? अमोनिया होता है, राइट। रहता तो पानी है लेकिन अमोनिया होता है उसमें, ओके। थर्ड क्या है? स्किन। सर स्किन भी एक्सक्रीशन का काम करते क्या? यस करते ना। एक्सक्रीशन मतलब रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी या वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। अभी जो स्वेट होता है, अभी बहुत लोग सुबह सुबह क्या करते? एक्सरसाइज करते, फिजिकल एक्सरसाइज करते, राइट। अभी ये वीडियो बनाने के बाद मैं खुद करूँगा, लगभग सुबह के 4 साढ़े 4 बज रहे, उसके बाद मैं खुद करूँगा अभी। तो जब मैं एक्सरसाइज करूँगा तो उसमें होगा क्या? अभी मेरे स्किन पर छोटे छोटे पोर्स है, वो पोर्स क्या करते हैं ना, अगर मैं थोड़ा भी फिजिकल एक्सरसाइज करता हूँ ना, तो वहाँ से स्वेट मतलब पसीना निकलता है। अभी वो पसीना भी ना हमारे बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता, जितना बॉडी से पसीना निकलेगा हमारे लिए उतना अच्छा होता, हम उतना हल्का उतना लाइट फील करते, ओके। मतलब ये भी एक टाइप का क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट मटेरियल है। तो ये स्किन क्या निकाल के दे रहा है? स्वेट निकाल के दे रहा है। उसके बाद जो लंग्स है, लंग्स भी तो कुछ ना कुछ निकाल के दे रहा है ना। क्या निकाल के दे रहा है? हार्मफुल गैसेस, फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। तो हम लोग ने तीनों मैटर का देख लिया, मतलब सॉलिड में लीवर निकाल के दे रहा है, लिक्विड में दो, कौन कौन सा? किडनी है और स्किन है, और जो गैस में निकाल के दे रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। चलो ये तो हमारा एक्सक्रीशन का भी हो गया। अब बात करते हैं ब्लड सर्कुलेशन की। ब्लड सर्कुलेशन सर, ब्लड क्या होता है? ब्लड होता क्या है? ब्लड ब्लड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड। कौन से? RBC, जिसको एरिथ्रोसाइट कहा जाता है, RBC मतलब रेड ब्लड सेल, ओके। और WBC भी होता है, मतलब जिसको हम लोग व्हाइट ब्लड सेल भी बोलते हैं, उसको ल्यूकोसाइट बोलते हैं। इसको एरिथ्रोसाइट, उसको ल्यूकोसाइट। अब जो थर्ड वाला है वो हमारा प्लेटलेट है, उसको हम लोग थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स,
अभी जो आरबीसी होता है ना, वो क्या करता है, उसका कुछ ना कुछ काम होगा ना सर, सबका कुछ ना कुछ काम होगा है। जो सबसे पहला वाला आरबीसी है, उसका काम है ऑक्सीजन को सप्लाई करना पूरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, राइट। अभी जो सेकेंड वाला है वो मेरा डब्ल्यूबीसी, मतलब व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल। एक मिनट सर, ये व्हाइट है और ये रेड क्यों है, ये कौन सा झोल है सर? ये आपने बोला रेड ब्लड सेल, ये आप बोल रहे व्हाइट ब्लड सेल। ये जो मेरा रेड ब्लड सेल है ना, बिकॉज ऑफ ये हीमोग्लोबिन, रेड के ब्लड के अंदर अगर हीमोग्लोबिन होगा ना, तो उसका कलर रेड होगा, समझे आप लोग। और जो डब्ल्यू बी सी है, उसके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसके वजह से वो क्या, रेड कलर भी नहीं होगा। ओके, अभी जो डब्ल्यू बी सी है ना, वो क्या करता है, डब्ल्यू बी सी क्या करता है, टू फाइट अगेंस्ट द फॉरेन पार्टिकल्स, जो बाहर से जो भी जीव जंतु आते हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगस, जितने भी आते हैं ना, सबसे लड़ने की कोशिश करता है, लड़ता है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बचाता ही है। ओके, बात समझ में आई आप लोगों को। और जो थर्ड वाला प्लेटलेट, प्लेटलेट क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग में काम आता है। जब भी हमको चोट लगती है ना, ब्लड गिरता है, तो आप 8 से 10 मिनट बाद देखते हैं, अरे ब्लड तो गिर नहीं रहा है, कुछ ना कुछ तो हुआ है वहाँ पे, ब्लड क्लॉट हो गया। क्लॉट मतलब क्या, जम जाना, राइट। तो जो प्लेटलेट है वो, उसका क्या काम है, इसमें है काम, काम है वो ना मैश बना करके देता है, जाली बना करके देता है, बस। ज़्यादा आरबीसी ब्लड से पूरे बॉडी से निकलना नहीं चाहिए, नहीं तो दीवार पे फोटो आ जाएगा, खींचे। ओके, सो स्टार्ट कर दे। ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन में देखेंगे ना, सबसे मेन ऑर्गन कौन सा है, हार्ट है, क्या है, हार्ट, दिल, समझ में आया। अभी फॉर एग्जांपल ये मेरा हार्ट है, क्या है, हार्ट है। अभी ना हार्ट के पास ना ऐसे दो नसें होंगी, दो ब्लड वेसल होंगी, जो एक लेके आने का काम करेगी और एक लेके जाने का काम करेगी। जो लेकर के आ रही है हार्ट के पास, जो हार्ट के पास लेकर के आ रही है, उसको हम लोग वेंस बोलेंगे, क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, वेंस बोलेंगे, राइट। ओके, और जो लेकर के जा रहा है, हार्ट से लेकर के जा रहा है, उसको क्या बोलेंगे, आर्टरी, क्या बोलेंगे, आर्टरी। ओके, समझा आप लोगों को। ओके, ध्यान दो, अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अभी ये मेरा हार्ट है, अभी वेंस क्या करेगा ना, पूरे बॉडी में से मेरे सारे मसल ने क्या, ऑक्सीजन यूज कर लिया, अभी कार्बन डाइऑक्साइड डाल दिया ऑक्सीजन ब्लड में, अभी ब्लड क्या होगा, वीन के द्वारा आएगा। देखो वीन के पास क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, राइट। अभी हार्ट क्या करेगा ना, उसको कहाँ भेजने की कोशिश करेगा, लंग्स के पास, फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड। ओके, वीन्स के पास क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो कि कहाँ लेकर के जा रहा है, लंग्स के पास लेकर जाएगा, फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड। अभी जो हार्ट है, हार्ट से जो ब्लड को लेकर के जा रहा है, हार्ट से जो ब्लड को लेकर के जा रहा है सर, आपने उसको बोला है आर्टरी, क्या, आर्टरी। आर्टरी के पास क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। ये लेकर के कहाँ जाएगा, पूरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, क्यों, मसल को तो कंटिन्यू ऑक्सीजन चाहिए ना। हम कुछ भी काम करें, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, हाथ हिला रहा हूँ, आप लोगों को टीच कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो हर एक चीज़ के लिए क्या चाहिए, मुझे ऑक्सीजन चाहिए, राइट। तो ये ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, मिलेगा मुझे ब्लड से। सर ब्लड से ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, सर ब्लड तो लिक्विड लिक्विड होता ना, मैंने अभी बताया था आप लोगों को, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में, जो आरबीसी है मेरा वो रेड क्यों है, बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन, राइट। अब यही जो हीमोग्लोबिन है ना, ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करता है, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल, ध्यान दो, एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल टोटल 4 ऑक्सीजन कैरी करता है, कितना, टोटल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, 4 ऑक्सीजन कैरी करता। ये याद रख लो, बहुत अच्छा है,
एक हीमोग्लोबिन चार ऑक्सीजन को क्या कर रहा है, कैरी कर रहा है। तो जो आर्टरी हमारा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, जो कि कहाँ लेकर के जाएगा इसको, पूरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी में, राइट। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो, जिसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है। देखो ये हार्ट है हमारा, ये हार्ट के पास लेकर के आ रहा है ना, मतलब वापस लेकर के आ रहा है, जो ब्लड यूज हो चुका है उसको वापस लेकर आ रहा है फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड। अभी जो वापस लेकर के आ रहा है उसको वेंस बोलते हैं, तो हम लोग इसको वापस ऐसे याद रख सकते हैं ना, VAPAS, वापस। देखो वी से वेंस, वी से वापस, और ए आर्टरी क्या कर रहा है, उस ब्लड को दूर लेकर के जा रहा है। क्या, कहाँ लेकर लेकर के जा रहा है, दूर। तो ए से आर्टरी, ए से अवे याद रख लो। राइट, ए से आर्टरी, ए से अवे, मतलब दूर लेकर के जाएगा, समझे आप लोग। ओके, आगे बात करते, प्रोसेस नंबर 5। प्रोसेस नंबर 5 क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मतलब क्या, क्या मैं अपने हाथ को कंट्रोल कर सकता हूँ, अपने पैर को कंट्रोल कर सकता हूँ, राइट। अपने आईलिड को कंट्रोल कर सकता हूँ मैं, बिकॉज ऑफ ब्रेन। सबसे मेन पूरे बॉडी का जो सर्किट, जहाँ से सबकी वायरिंग हुई है, कौन है वो, ब्रेन। ब रेन, बी रेन, क्लाउड बना है, बारिश हो रही है, ब्रेन हो गया, बारिश हो रही है। ओके, अगर मैं फंक्शन की बात करूँ, ब्रेन क्या क्या फंक्शन कर सकता है, फंक्शन की बात करूँ, तो सबसे पहला बैलेंस, बॉडी बैलेंस करने का काम कर रहा है। देखो मैं खड़ा हूँ, प्रॉपरली खड़ा हूँ, बिकॉज ऑफ ब्रेन, राइट। ओके, उसके बाद क्या है, सेकेंड सेंसेशन। सेंसेशन मतलब क्या, अभी भले ये ठंडी का मौसम है, लेकिन थोड़ी थोड़ी मुझे गर्मी का एहसास हो रहा है, बिकॉज जो मेरा रूम है, कमरा है, वो पैक है, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा सा गर्मी का एहसास हो रहा है। ओके, तो सेंसेशन उसको बोलते हैं। थर्ड क्या है, रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स मतलब क्या, सर मुझे किसी ने कुछ बोला, मैं फटाक से रिस्पॉन्स कर दिया उसके खिलाफ, समझे। बी फॉर एग्जाम्पल, कैसे बताऊँ, मुझे चूटी ने काटा, मैं फटाक से लेकर के सहलाना चालू कर दिया, उसको रिस्पॉन्स बोलते हैं। ओके, उसके बाद फोर्थ क्या है, विजन। विजन मतलब देखना, राइट। अखियों से गोली मारे, देख पा रहा हूँ हर एक चीज़ प्रॉपरली, आप भी मुझे देख पा रहे, ये सब कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है। उसके बाद क्या है, फिफ्थ इमोशन। इमोशन मतलब क्या, सर मुझे कभी गुस्सा आ जाता है, कभी मैं खुश रहता हूँ, कभी दुखी होता हूँ, कभी बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाता हूँ, राइट। ये सारे के सारे कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन। लोकोमोशन, क्या लोकोमोशन, अभी फॉर एग्जांपल ना, मैं यहाँ से यहाँ गया, राइट, यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ, ये सारा कौन कंट्रोल कर रहा है, ब्रेन, ब्रेन ही कंट्रोल करता है। ओके ओके, इसमें सिर्फ इतना ही देखना था। ओके, अभी प्रोसेस नंबर 6। 6 का है मेटाबॉलिज्म। क्या है स्टूडेंट्स, मेटाबॉलिज्म, आप लोग ने पहले कहीं भी सुना है, बोलिए, बताता हूँ। मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है, मेटाबॉलिज्म में भी दो प्रोसेस होते हैं, देयर आर टू प्रोसेसेस इन मेटाबॉलिज्म। सबसे पहला एनाबॉलिज्म है, और जो सेकेंड वाला वो मेरा कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, है ना, मतलब आना, मतलब आकर, जैसे हम लोग फ्रेंड के साथ खेलते हैं तो क्या बोलते हैं, अरे आना मिल के खेलेंगे, तो आना आना, समझ रहे हो आप लोग, मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ। एनाबॉलिज्म मतलब कभी भी कोई भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल या पार्टिकल जब जुड़ते हैं ना बॉडी के अंदर, तो उसको क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म मतलब क्या, ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, मैं फिर से बता रहा हूँ अच्छे से, एनाबॉलिज्म मतलब क्या, एडिशन ऑफ मॉलिक्यूल। मैंने कुछ भी खाया हुआ ना, अगर अंदर जा करके एडअप हो रहा है, मिक्स हो रहा है, बिल्ड हो रहा है, उसको मैं क्या बोलूँगा, एनाबॉलिज्म। ओके, अभी जो कैटाबॉलिज्म मतलब क्या, ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल, राइट। अभी मैंने कुछ खाया, वो अंदर जा कर के टूट रहा है, क्या हो रहा है, टूट रहा है, तो टूट रहा है तो कैटाबॉलिज्म। ओके, ध्यान दीजिए। अच्छा, कभी भी कुछ भी चीज़ एडअप होती है ना, तो उसमें क्या लगता है, एनर्जी लगता है, तो इसलिए मैंने क्या लिखा है, रिक्वायर एनर्जी टू बिल्ड, राइट। एनाबॉलिज्म मतलब ऐड होना। अभी समझो एक ये, एक मिनट,
समझो, एक मॉलिक्यूल ये, एक मॉलिक्यूल ये। एनाबॉलिज्म मतलब क्या, आकर के जुड़ रहा है, तो जुड़ने के लिए जो ये आप ही यहाँ तक आया है उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए? एनर्जी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू बिल्ड, समझा? ओके, अभी फॉर एग्जांपल ये मैंने खाया, ये हमारे बॉडी में जाकर के क्या हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। ब्रेक डाउन हो रहा है मतलब क्या, जब ये टूटेगा ना, जब ये टूटेगा तो ये अलग एनर्जी देगा, ये अलग एनर्जी देगा मुझे। तो टूटने पे क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, राइट? अभी फॉर एग्जांपल जैसा हमारा ब्रेकअप हो जाता है, मतलब हम जब टूट जाते हैं अंदर से पूरा, तो हमारे अंदर एक नई एनर्जी आती है ना, राइट? हम अच्छे से पढ़ेंगे, ये होगा, वो ये कर लूँगा, वो कर लूँगा मैं, वही होता है। ओके, बात करते हैं सेवेंथ प्रोसेस की, जो कि है हमारा ग्रोथ। क्या स्टूडेंट्स? ग्रोथ। ओके, अच्छा थोड़ा इसका वो भी जान लीजिए, क्या जान लो, ट्रिक्स जान लो, क्योंकि हमारा कर्तव्य बनता है, हम आप लोगों को ट्रिक्स देते रहे। एनाबॉलिज्म मतलब ऐड होना, तो देखो ना, ए से एनाबॉलिज्म, ए से ऐड होना, राइट? कैटाबॉलिज्म मतलब क्या, कट होना, तो सी से कैटाबॉलिज्म, सी से कट, ऐसा याद रख लो। ओके, हाँ, सो कंटिन्यू द टॉपिक। हम लोग पढ़ रहे थे सेवेंथ प्रोसेस का मतलब ग्रोथ की बात करते हैं। सर ग्रोथ मतलब हम लोग को समझता है, ग्रोथ मतलब क्या आप लोग बताओ। सर मैं कब मानूंगा कि मेरा ग्रोथ हुआ है, मैं कब कंसिडर करूंगा मेरा ग्रोथ हुआ है? ध्यान दो, मैं ग्रोथ मतलब क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट, इंक्रीज इन मास। इंक्रीज इन मास मतलब क्या, जब मेरा मास बढ़ेगा, मतलब जब मेरा वजन बढ़ेगा, तब मैं उसको क्या बोलूँगा, हाँ भाई मेरा ग्रोथ हुआ है। ओके, समझो मैं अभी 50 किलो का हूँ, अगले 2 महीने में समझो मैं 52 किलो का हो गया, मतलब 2 kg मेरा क्या हुआ, एक्सटेंड हुआ है, एक्सपांड हुआ है, एड अप हुआ ना, तो मेरा 50 से 52 में मतलब 2 kg का एडिशन हुआ है, तो मैं उसको ग्रोथ बोल सकता हूँ ना। ओके, सेकेंड क्या है, इंक्रीज इन नंबर। अगर मेरे अंदर किसी भी चीज़ का नंबर मतलब क्या, समझ रहे हो आप लोग, इंक्रीज इन मास वजन में, और इंक्रीज इन नंबर, जब नंबर मतलब संख्या बढ़ते जाएंगी, नंबर बढ़ते जाएंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रोथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ग्रोथ। आप लोगों को पता ही होगा, जैसा हमारा जो फर्स्ट सेल ऑफ लाइफ है, जायगोट है, जायगोट सिंगल सेल था, लेकिन धीरे धीरे देखो ना, हम पहला कैसा था, हम लोग पहला कैसे थे, देखो हम लोग पहले कैसे थे, उए, उए, राइट, इतने छोटे थे, लेकिन आज हम लोग इतने बड़े हो गए, हुए ना, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रोथ। हम लोग ग्रोथ देख सकते, क्यों? क्योंकि मेरा मास बढ़ा है और मेरा नंबर बढ़ा है, नंबर बढ़ा है, समझे आप लोग? ओके सर, ग्रोथ भी 2 टाइप का हो सकता है। सर आपने क्या लिखा है, पहली बार देख रहे हम लोग, तो ग्रोथ भी 2 टाइप का होता है, एक होता है इंटरनल और एक होता है एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल मतलब ग्रोथ भी 2 टाइप का हो सकता है। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो ग्रोथ है ना 2 टाइप का हो सकता है। सबसे पहले इंटरनल, इंटरनल मतलब क्या, अगर मेरा ग्रोथ अंदर से हो रहा है तो मैं उसको बोलूँगा इंटरनल ग्रोथ, राइट? अब एक्सटर्नल ग्रोथ मतलब क्या, अगर मेरा ग्रोथ आउटसाइड से, अगर मेरा ग्रोथ बाहर से हो रहा है, तो मैं उसको क्या बोलूँगा, क्या बोलूँगा, एक्सटर्नल ग्रोथ। फॉर एग्जाम्पल देखो ना, ग्रोथ दोनों में ही होता है, एक लिविंग में भी होता है और एक नॉन लिविंग थिंग में भी होता है। लिविंग थिंग में कैसा होगा, इंटरनल ग्रोथ, देखो लिखा मैंने, लिविंग थिंग में इंटरनल ग्रोथ होगा, और जो नॉन लिविंग थिंग है उसमें क्या होता है, एक्सटर्नल ग्रोथ, राइट? फॉर एग्जाम्पल देखो, ह्यूमन बींग्स, ये किसका एग्जाम्पल है, इंटरनल ग्रोथ का, राइट? जैसा मैंने पहले बताया, फर्स्ट सेल ऑफ लाइफ कौन सा है, जायगोट, धीरे धीरे इतने से लेकर के हम इतने बड़े हो गए, अंदर से हुआ ना ग्रोथ, तो ये हमारा इनसाइड ग्रोथ है, मतलब इंटरनल ग्रोथ है। और जो सेकेंड वाला है वो क्या है हमारा, सर ये नॉन लिविंग थिंग में पाया जाएगा। आपने एग्जाम्पल लिया सैंड माउंट, मतलब क्या, रेगिस्तान में देखो ना, रेत का पहाड़ बना हुआ रहता है, राइट? समझो पहला छोटा है, अभी बहुत तेज तेज हवा आ रही है, तेज हवा आ रही है, तो अपने साथ
सैंड मतलब जो रेत है उसको भी लेकर के आएगी। अब वो जो रेत है वह आकर के यहाँ पे सेडिमेंट होगा, सेटल डाउन हो जाएगा ना, सेटल हो जाएगा। तो बाहर से जो लेकर के हवा आ रहा है, जो सैंड को लेकर के आ रहा है, रेती को लेकर है, जो आकर के इस माउंटेन के ऊपर क्या हो रहा है, सेटल हो रहा है। अब सेटल होने की वजह से इसका जो हाइट है, इसका जो ग्रोथ है, ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ? हुआ सर, अंदर से नहीं हुआ है लेकिन बाहर से तो हुआ है, राइट? बिकॉज क्यों, इंक्रीज इन मास और इंक्रीज इन नंबर, राइट? इसका सर, इसका वजन भी बढ़ा, उसका संख्या भी तो बढ़ी है ना, समझे आप लोग? ओके आगे बढ़े। ओके एट रिप्रोडक्शन, द किंग ऑफ दिस चैप्टर, द किंग ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में ना सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन की ही बात हुई। राजा वाली फीलिंग आ रही। ओके रिप्रोडक्शन का थोड़ा सा देख लेंगे, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे कि कितने टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं वो देखेंगे। ओके आप आ जाओ इधर, बैठो इधर, पढ़ाई करो, ध्यान दीजिए। हम लोग प्रोसेस नंबर एट की बात कर दें, रिप्रोडक्शन। सर क्या बना है? क्राउन बना है, राजा है ना इस चैप्टर का, इसके लिए। रिप्रोडक्शन कितने टाइप के? उसमें भी दो प्रोसेस होता है, कौन सा? गैमेट फॉर्मेशन होता है और एक फर्टिलाइजेशन होता है। गैमेट फॉर्मेशन मतलब क्या? गैमेट मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं गैमेट की बात करूँ तो मेल क्या बना के देगा? सो जाओ, नींद आ रही है इसको, सो जाओ। हाँ मेल क्या बना करके देगा हम लोग को? स्पर्म बना के देगा। और जो फीमेल है वो क्या बना के देगी? ओवा बना करके देगी या ओवम बना करके देगी, राइट? ये गैमेट फॉर्मेशन के बाद ही फर्टिलाइजेशन होगा, पहले फर्टिलाइजेशन होगा नहीं। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है? जब मेल और फीमेल के गैमेट्स मिल जाते हैं तब जा करके फर्टिलाइजेशन होगा। जब गैमेट ही नहीं होंगे तो फर्टिलाइजेशन कहाँ से होगा? ओके समझे आप लोग? तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये महिला पहला प्रोसेस होगा और ये मेरा सेकंड प्रोसेस होगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। हम लोग इस चैप्टर में, इस वीडियो में लोग सिर्फ और सिर्फ किसकी बात कर किए? प्रोसेस के बारे में बात किए, और कुछ भी नहीं। अब इसके जो नेक्स्ट वाली वीडियो आने वाली है ना, हम लोग देखेंगे कि कितने टाइप्स के रिप्रोडक्शन होते हैं, रिप्रोडक्शन कितने टाइप के होते हैं। ओके मतलब टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके जाते जाते हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आया कि नहीं आया? क्या क्वेश्चन आया सर, बताइए बताइए, क्या क्वेश्चन आया दिमाग में? सर आपने लिखा भी है, दिख रहा है हम लोग को, क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑल प्रोसेस रिक्वायर फॉर रिमेन अलाइव। क्या जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए सारे प्रोसेस हमारे बहुत जरूरी है क्या? फॉर एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसा डाइजेशन है, यस ये तो बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। जब तक खाएंगे नहीं तब तक जिएंगे नहीं, नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, दीवार पे फोटो आ जाएगा फटाक से। रेस्पिरेशन, यस ये भी बहुत ज़रूरी है, राइट? कोई आकर एक गला दबा दे, दीवार पे फोटो। एक्सक्रीशन, अगर हमारे बॉडी से वेस्ट मटेरियल या वेस्ट प्रोडक्ट भी बाहर नहीं आ रहा है, एक्यूमुलेट होते जाएगा बॉडी में ना, तो उसके वजह से भी दीवार पे फोटो आ जाएगा। उसके बाद क्या, ब्लड सर्कुलेशन, ये भी बहुत ज़रूरी है ना, सारे मसल्स को, सारे पूरे पार्ट्स ऑफ द बॉडी को क्या चाहिए, क्या चाहिए? ब्लड चाहिए। ब्लड क्यों चाहिए? क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन क्यों है? क्योंकि हीमोग्लोबिन है, और एक हीमोग्लोबिन चार ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, राइट? ओके मतलब ये भी ज़रूरी है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये भी ज़रूरी है, हाँ बहुत ज़रूरी है। मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म बहुत ज़रूरी है लाइफ में, वो भी ग्रोथ भी बहुत ज़रूरी है। क्या हम लोग जब जायगोट थे इतना बड़े हुए ना, बिकॉज ऑफ ग्रोथ। ओके ग्रोथ भी बहुत ज़रूरी है। अब जो लास्ट वाला वो क्या है, रिप्रोडक्शन। सर रिप्रोडक्शन ज़रूरी है क्या? नहीं, ये आपके पास ऑप्शन है, राइट? ये अगर प्रोसेस लाइफ में नहीं होगा तो भी चलेगा, राइट? ये हम लोग को जीवित नहीं रखता, बट ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? ये क्या करवा के दे रहा है हमारा, ये करवा के क्या देता है? कंटिन्यूटी
ऑफ स्पीशीज। रिप्रोडक्शन उतना जरूरी नहीं है जीवित रहने के लिए, बट कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज भी तो जरूरी है ना। तो उसके लिए जो हमारा रिप्रोडक्शन है बहुत जरूरी होता है। जीवित जिंदा रहने के लिए नहीं करेंगे तो भी चलेगा, रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो भी चलेगा। ओके सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग विद साइंस्टर, लर्न विद बेस्ट ट्रिक्स, स्पीड अप एंड बूस्ट अप योर कॉन्सेप्ट साइंस्टर विद लर्न विद बेस्ट ट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर नंबर 2 में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके दैट्स ऑल फॉर टुडे, टेक केयर, जय हिंद।